फाइनली थोड़ी देर बाद चन्न चढ़ना है और चन्न का इंतजार कर रही हैं सोहनिया सोहनिया मुटियारा मेरे नाल खड़िया ने। कथा का हो चुका है, जो भी इन्होंने कथा की रसम करनी सी जिहड़ी ऑलवेज होंदी है शाम टाइम, इस बार कुछ थोड़ा जा टाइम नू लैके चेंजिंग्स बहुत ज्यादा सी। कथा कहिंदे एक बार नहीं कीती, चार बार कीती है ना, सो पता नहीं इस बार की। चलो चन्न मैनू लगदा वक्खरे टाइप दा इस बार चढ़ना होएगा, सो चन्न नू देखण लई सोहनिया सोहनिया मुटियारा मेरे कोल खड़िया ने। आपां गलबात करांगे इन्हां नाल। सो सति श्री अकाल, हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ, किवें हो? वधिया जी वधिया, तुसीं दसो। वधिया वधिया। अच्छा, की तुसीं तैयारियां कर लईआं सी और की तुसीं हुण तक कर चुके हो? देखो तैयारियां तां असीं इस हिसाब नाल कीतीआं सी कि सारीआं भैणां असीं इकट्ठीआं होवांगीआं, खूब मस्ती करांगीआं, लेकिन फिर टाइम दा हेर फेर पै गिआ ते कहिंदे जी 3:30 दी बजाय 3 बजे मिलो, ते फिर वह भद्रा लग जानी सी, इसलिए 3 बजे अज असी कथा शुरू की। फिर कथा चलते हुए 4 राउंड से साडी कथा हुई, असी तंबोला खेडिया, फिर जी आया नू। सो मैंने इस बार दसो, इस बार काफी प्रॉब्लम्स मैंने लगता आई है, क्योंकि लेडीज दे रेस्ट करने का जो टाइम होंगे जो वर्त रखदी थोड़ा दोपहर टाइम रेस्ट करती है ना, मैंने लगता थोड़ी जी इस बार हौच पौच होया। देखो एक तो सोशल मीडिया तुसी है ही हो, जिदे उपर एक रील चार बार दिखाते हैं, एक बंदे ने टाइम पाया, दूजे ने पाया, तीजे ने पाया, लाइक असलियत की है सानू किसे नू नहीं पता, सानू तां बस इन्ना पता रब दा नाम लवो करो। आ ये देखो, ये भैणां साडियां चाह पानी पी के आईआं सी, आ साडे मम्मी जी जिहड़े जिहड़े बेचारे भुखे प्यासे और ऐसी दोनों ने चाह भी नहीं पीनी और इन्होंने चार बार कथा भी सुनाती। ओ क्या बात है, मतलब ये तंबोला खिला खिला के गला भी सूख गया, तंबोला खा के मेरी आवाज बह गई है। हस्बैंड ने कोई लगता है तुहानू उम्मीद है कोई सरप्राइज रखा होगा तुहाडे लई? पिने हां बस एक ही गल कहनी है, डिनर च की बनाया खवा दे जरा, अभी माता बैठी है, अपनी माता ने बनाता सारा, आपां तां खाण दा कम करना, वरना कोई सरप्राइज नहीं साडे लई, कोई सरप्राइज नहीं, जड़े देने सी वो मिल गए। मतलब पहला ही दिखा दिए, मतलब दिखाता पहला ही दिखा दिए, सरप्राइज मिल चुके हैं सानू। क्या बात है। सो बोली आपां पावांगे सोहनी जी मुटियार मेरे कोल खड़ी है, वैसे गिद्दे भंगड़े च तां बहुत ज्यादा फेमस है, बट इन्हां तों हुण आपां बोली पाउणी है ताकि जिहड़े तुहाडे नाल दे पार्टनर ने उह गिद्दा पाउण। बोलियां एकदम याद ही नहीं आंदियां हैगियां। चलो मैं तुहाडे नाल करदी आं, सो गिद्दा सण नचण वाले दी अड़ी न रहिंदी, नचण वाले दी अड़ी न रहिंदी, गाउण वाले दा मूं मैं पावां, नच गिद्दे विच तूं नी बोली मैं पावां, नच गिद्दे विच तूं। मतलब अज नच नच के वेड़ा नहीं आपां ओह पटना हैगा, क्योंकि मैनूं लगदा खाली पेट है। वैसे झूठ बोल रहे, कैमरे सामने पहला दस्या गया सी कि चाह पी चुके हैं। हां साडे विच फुल एनर्जी है, जिन्ना विच नहीं उहनां दी बोली नहीं आ रही, उहनां दी बोली नहीं आ रही। अच्छा तुसीं की खास तैयारी कीती अपने घर वाले लई? खास तैयारी तो ऐदा दा कुछ नहीं, बस खाने पीने नाल मतलब हुंदा, उन्हां नूं की बनाया वो बना दिंदे जाके। मतलब आप ही बनाना पैणा? आप ही बनाना पैणा। नहीं तुसीं कहा नहीं कि मैं तां वरत नहीं जा डिनर बाहर, बस जेड़ा आपां शगन करदे दाल चावल दा ओह खा के फिर उस तों बाद डिनर बाहर। आंटी उधर चले गए मैनूं लगदा, आंटी बेचारे बहुत ज्यादा थके होए हैं। आंटी अपने टाइम दी बोली जरूर सुनानी पैणी तुहानूं। यस बोली तो कोई जात नहीं है, कोई गाना ही सुना दो। अच्छा घर घर वाले लई गाना, ये गाने तो बहुत सोहने गाउंदे आंटी, गाना मिठी यस आवाज बहुत सोहनी है इहनां दी। तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तुम नहीं मिलते तो हम मर जाते, हाय प्यार भी क्या चीज है। आगे बताइए। स्पेशल कटिंग करके ना हस्बैंड नु भेजनी पैनी आपां नु।
मेरा कोई गाना डेडिकेटेड नहीं है भैन। सो इधर आंटी पिछे पिछे लुकन की लोड़ नहीं, आप आ जाओ, आप लुकना नहीं। लाल सूहे रंग च सोहनी मुटियार उधर लुक रही है, आप इन्हां नाल भी गलबात करांगे। सो बड़ी सोहनी गुत की इन्होंने, स्पेशल बकायदा विच फुल भी लगाए हुए ने। सो ये फुल किहदे वास्ते लगाए है? हस्बैंड लई। हस्बैंड लई तो फिर हस्बैंड लई कदा गाना गाना पैना तुहानू? नहीं गाना तो मेरे नहीं आता, वैसे बहुत प्यार है। हाँ, वैसे बहुत प्यार है। हाँ। बोलो। अच्छा हस्बैंड दो वर्ड्स बोलने नहीं जाना, आप इधर आ जाइए थोड़ा जा, क्योंकि आपे तो भी जानना चाहवांगे तुसी करवा चौथ नूं लैके की तैयारियां कीतीआं सी और पेंडिंग की रह चुका तुहाडा? कोई पेंडिंग नहीं, मेरे हस्बैंड ने तैयारी की जबकि वो बीमार है, कुकिंग भी कर चुके। की बनाया स्पेशल खास? दाल मखनी और पनीर प्लस गोभी। मतलब तुसी ये तो आड़ी डिमांड सी या उन्होंने वालों की? उन्होंने वालों किता गया। अच्छा हस्बैंड लिए कोई गाना? आई लव यू, आई लव यू अमन। तो पता थी ना कि ये गवा लेगी। सो मैं लगता है इधर इधर स्पेशली साड़ी पाके आए हैं, हस्बैंड लिए वखरा वखरे कुछ दिखना सी है ना, ये मतलब दिमाग से सीगा कि मैं सब तो अलग दिखना कि मैं बाकी तो सारिया सूट पाके आनगी, मैं साड़ी पाके आनी है। और स्पेशली गजरा इस बारी मैं साड़ी का सोचा सी तो मैं साड़ी ही पानी सी इस बारी। सो स्पेशली गजरा भी। हां जी ये घर वाले ने स्पेशल लेके? हां जी लेके देते ते पायल भी देते मैं। ओह क्या बात है। सो होर लगता है कि कुछ सरप्राइज तुहाडे लिए रखया होगा? ओ नहीं है हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। मैं लगता सनी इनकले वालिया ने ना सारिया ने यही गाना स्पेशली याद करके रखा हुआ सी हस्बैंड लई। सो इधर भी आप गलबात करेंगे, कहने मेनू नी वर्त तो रखे है ना। सो हस्बैंड लई अगर कुछ कहना होवे या कोई गाना गाना होवे? हस्बैंड कैमरे दे सामने दीदी गान के मेरे काले एक्टिवा ते एक्टिवा नाउंदा भी नहीं गा मैंने फोर व्हीलर आंदी है। हस्बैंड जी मैं कहूं कि बेचारे ने सवेरे मेरे लिए भी है देने, इन्हें व्रत रखा भी इन्हू कष्ट होगा सवेरे लिए, मेरे लिए सवेरे इन्हें सब्जी पानी इन्होंने सवेरे बना के रखता। की खास बनाया? इन्हों आलू गोभी पसंद है, मेनू भी पसंद है। दाल नहीं बनी है ते शाम नु मिठा मैं खुद बना लूंगी। की बनाना है? मिठा मिठा फेणिया जा खीर कुछ भी। हां ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਹੁਣ ਹੁਣ ਪੋਲ ਖੁੱਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਨਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਗਾਲਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ मतलब जेडी एनर्जी आंदी है ना गाला खा के एनर्जी आंदी है, क्योंकि जब काम की शुरुआत करनी होंगी है ना लेडीज नू ओ गाला नहीं कह सकते, ओ हुंदा प्यार, ओ प्यार च लगता है हस्बैंड दा। सो हस्बैंड लई एक बोली तो जरूर बनती है? बोली तो नहीं होती, कोई भी कुछ भी बोल दो, जरूरी नहीं नाल पे साथ दो, वो गा दो मेरा पिया घर आए। हां बोली है, बोली तो आई नहीं कर रहे हैं। हां पच्चियां पिंडां दा मेरा ढोल पटवारी, पच्चियां पिंडां दा मेरा ढोल पटवारी, नित आना जाना ओदा काम सरकारी, मेरा ता मंदड़ा हाल माए मेरी ये दस किदा कड्डा, रुमाल माए मेरी ये दस किदा कड्डा, रुमाल माए मेरी ये। इधर गुलाबो ना थोड़ी जी पिछो दी भज के आई है, ओनू भी लगे कि कुछ ना इत्थे हो रहा है, ये ना फटाफट चले गए सी कथा सुन के। सो आपां तुहाडे तों भी जानना चाहवांगे कि करवा चौथ नूं लैके तुसीं की तैयारियां कीतीआं सी, हुण चन्न दी किन्नी क तुहानूं वेट है, किन्नी क एक्साइटमेंट है तुहानूं चन्न नूं देखण लई? देखो पार्क की सानू सब तो वड्डी रौनक है, सानू हमेशा वेट रहिंदी है ईयर की कि असीं इत्थे इकट्ठे होवांगे, वी विल सैलीब्रेट करवा चौथ, दिस इज द बिगेस्ट चार्म फॉर अस। रात दी तां देखो सारे नू वेट हुंदी है, ते हस्बैंड इज द वन टू टेल कि चंद आ गया हुण खा लो। सो दिस इज हाउ वी स्पेंड आवर करवा चौथ, सो एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज। थैंक यू। वैसे जिवें संडे सी, संडे दी छुट्टी सी है ना, हस्बैंड नाल ही अज बिताए होण, अज की की केड़े पल तुसी बिताए है जिहड़े यादगार तुहाडे लई होण? देखो एज सच
इन पर्टिकुलर कुछ नहीं, बिकॉज़ वी ऑलवेज स्पेंड टाइम टुगेदर एंड वी मेक वेरी गुड मेमोरीज. सो हस्बैंड ले दो वर्ड्स कहने हो. ही इज ऑन द टॉप ऑफ माय वर्ल्ड. थैंक यू. सो इधर वाओ तो बड़ी छेती निकले. मैनु ए दसो तुसी पूरा दिन की किता आज? हस्बैंड आज घर ही होणगे मैनु लगदा संडे से. वो अपनी तैयारी कर रहे है, कहंदे करवा चौथ मैं भी रेडी होके शाम नु फोटोग्राफ्स करूंगा. ओ माय गॉड, मतलब वर्त रखे ना सलून गए होए आ. मतलब रात दा चन्न जेड़ा चमकण गया होए, चमक के फोटोवा करवाणीया उन्होंने. जेड़े आ वाले एदी तैयारी सीगी जेड़ी रानी नु तैयार करन लई उन्होंने की खास किता? उन्होंने हजे कुछ नहीं, उन्होंने पता भी नहीं, मैनु देखिया भी नहीं उन्होंने. घर ही है नहीं सी, उन्होंने वास्ते सरप्राइज. जो ओ रेडी होंगे वो मेरे लिए सरप्राइज है. मतलब कितनी की जेब खाली करवाई से? जेब ज्यादा नहीं, घरे चलदे ही रहंदा है, कदे कोई गिफ्ट कदे कोई गिफ्ट, एज अ स्पेशल कुछ नहीं. पहले ही सारा कुछ जो भी मार्केट गया जो पसंद आया आप ले लिया, इदा स्पेशली कुछ नहीं. सो आप जो दो पल आप सारे कट्ठे हुए हैं, कोई भी कोई गाना गा लो प्लीज, थोड़ा जा डांस कर दिया, क्योंकि अज मैं कैमरे सामने देखना चाहती है कितनी की एक्साइटमेंट है तुहानू अपने हस्बैंड जड़ा चन्न ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਈਏ ਸ਼ੁਰੂ. ਚਲੋ ਜੀ ਰੀਤੀ ਚਾਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਜਾਣਾ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਜਾਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਬਕਾ ਚੱਕ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਕੇ ਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਕੇ ਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਈ ਪੇਕੇ ਜੈ ਵੱਡੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖੇ, ਜੈ ਵੱਡੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖੇ, ਜੈ ਵੱਡੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖੇ, ਜੈ ਵੱਡੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਨਾ, ਜੈ ਵੱਡੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਨਾ. ਮਦਾਣੀਆਂ 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 ਪੇਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਣਾਂ ਨੱਚੀਆਂ, ਸੋਹਰੇ ਨੱਚੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਪੇਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਣਾਂ ਨੱਚੀਆਂ, ਸੋਹਰੇ ਨੱਚੀਏ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ. ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਚ ਲੈ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਚ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਚ ਲੈ. ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨੀ ਐਨਰਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਇਸ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ. ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਚੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ. ਸੋ ਵੇਟ ਹੈ ਚੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ. ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਕਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਵੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3:30 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4:30 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਵੈਸੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ ਬਟ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਸੁਣੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਰਤ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸੂਟ ਵੂਟ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਵਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਰੱਖੋ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਰਡਸ ਕਹਿਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਬਟ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦਵਾਂਗੀ. ਸੋ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬੋਲੀਆਂ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਲੀਜ਼, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੈਡਮ ਜੀ
सॉरी मैनू अच्छा कि अच्छा किसी नु गाना आंदा अपने हस्बैंड लई कौन गाना गाएगा ये दस दो इधर ना थोड़ा जी स्माइल जी आ रही सी हस्बैंड सामने खड़े है सो हुण ये मुकर नहीं सकदे अपने हस्बैंड लई दो वर्ड्स कहने हो कोई भी गाना गावे कोई नहीं नहीं गाएगी गाएगी ओ हस्बैंड तो थोड़ा शर्मा रही है कोई गल नहीं तुहाडे लई दो वर्ड मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से क्या बात है मिले हो तुम हमको बड़े ही नसीबों से देखो कितना वधिया तुहानू इन्हां ने गाना डेडिकेट कीता सो इधर दूजियां नू तां शगन दवान दीआं गल्लां हो रहीआं ने सो आप तुहानू की मिलिया पहला मैनूं तुसीं दसो अच्छा करवा चौथ नू लैके अज तुहानू की मिलिया कई बार ऐदा हुंदा ना कि हस्बैंड कोई ना कोई सरप्राइज दिंदे आ क्या तुहानू सरप्राइज मिल चुका है या हले मिलना है सरप्राइज मिल गया जी जो सूट पाया होया है सरप्राइज ही है जी सो हस्बैंड लई कोई गाना गाना चाहंदे हो कोई बोली पानी चाहंदे हो या कोई वर्ड्स तुसी कहना चाहंदे हो शर्म नहीं है दिखता हूँ कट कट के पानी है ना तुसी वीडियो वैसे ना आज आज सारी लेडीज दी सच्चाई सामने आ जाऊगी की ये हस्बैंड लई सोच दिया बाकी ता मैनू लगदा सारा दिन गाला ही निकल दिया होंदी है इन्हां दे अज पूरा मतलब ये सोच दिया कि नहीं अज असी प्यार नाल रहना है अज अज ब्लैंक ही हो गया कि मतलब केड़ी मैं तारीफ करा हस्बैंड दी क्योंकि तारीफ करनी बहुत घट हो पाती है दुनिया दे बेस्ट भी नहीं कह सकते ऑन स्क्रीन इन्हें बोले कि दुनिया दे बेस्ट भी नहीं कह सकते मैं तो हमेशा लंबी उम्र की कामना कर डारी बहुत रहे है इन्हां तो ना असल च तारीफ हो नहीं पा रही अपने हस्बैंड दी ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੂਟ 10000 ਦਾ ਸੂਟ ਹਾਂ ਵਾਹ 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 ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਬੈਂਡਸ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਬੈਂਡ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਚਲੋ ਇਨਕੋ ਬੋਲਾ ਤੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਸੌਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੀ 100% ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਆ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਮਾਰਾ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਂਡ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਟੂ ਸੋ ਕੀ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਬਸ ਆਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ हालांकि मेरा 1.5 साल का बच्चा है पर फिर भी बहुत ऐसे मौकों से मैनूं बहुत सपोर्ट करते हैं बस आही चीज होंदी है जिहड़ी असीं एक्सपेक्ट करते हैं अपने हस्बैंड तों नहीं ओबियस है यार भी तुसीं करदे हो आई नो ठीक है ते बाकी लड़ाई झगड़े 24 घंटे ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਛੋਟੀ ਨੋਕ ਚੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨੋਕ ਚੋਕ ਹੋਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ
आई लव यू। क्या बात है, ए हुंदा जिगरा, मतलब हस्बैंड सामने खड़े सी, सामने देख के ही हस्बैंड नु वर्ड्स निकल गए इन्ना दे, हुन पता नहीं सच्चे निकले या झूठे निकले। सीरियसली अगर वो मेरे तो थोड़े देर दूर जाना, मैं पूछ लो, मैं ना 10 बारी फोन कर दे ना कदों आना है, कदों ना, पावे आके मैं इन्ना नु डांटना ही होवे, पर मैं बुलाना जरूर है, आ जाओ हुन कर, आ जाओ। कहते की हो गया, मैं क्या देखा नहीं ना, आज हूं तुम इतो पता चल कितनी स्ट्रिक्ट जनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम मैं तो भाई स्कूल च भी है गया, अपना ना चलता है, इथे भी है गया, परमात्मा की कृपा है। चलो हमेशा मैं कहती ऐदा ही रहन। सो इधर भी मैं पूछांगी, नवा चूड़ा पाया मेनू लगता पहला वर्त है तुहाडा, दूसरा, सो की कहना चाहते हो अपने हसबेंड लई? कोई गाना भी गा सकते हो, कोई बोली भी पा सकते हो? शेरो शेरी करेंगे। हां क्या बात है, क्लैपिंग, शेरो शेरी होने लगी है। फूल खिलना खिले बाहर आती रहेगी, आप मिले ना मिले याद आती रहेगी। क्या बात है, इतो पता चलता है दिलों कितना प्यार चल रहा है। सो इधर भी तुहानू भी बहुत ज्यादा प्यार है अपने हस्बैंड नाल, है ना। सो पहले ही हाय रब्बा निकल गया इन्हां दा। सो तुसी की कहना चाहोगे अपने हस्बैंड लई? मेनू तो संग लगती है, मेरे वाला तो है ही नहीं। अच्छा कितने गए भी हैं? ड्यूटी गए। अच्छा ड्यूटी गए, मतलब रात ही चंद्रमा वेले पहुंच जाएंगे? हाँ जी हाँ जी। पता चले किसी होर नु दिखा रहे हो? नहीं नहीं। मेरे वाले अद्दा दे नहीं हैगे, मतलब ता आणगे मतलब मेरे वाले नहीं बक रहे थे तो नहीं है कि जिंदा ना कि वो हुंदे है कुछ भी हस्बैंड मेरे बाप का कहना है कि पतला है कुछ भी होने गाने का। अरे आंधी का अच्छा हरियाणवी आंदा? हाँ चलो चलेगा चलेगा, चैनल पे कोई भी चल सकता, चाहे इंग्लिश गा दो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेनू तो आंदा नहीं हैगा। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, पासाओ गले से लगा लो। थैंक यू। ये पता क्यों कि है, पास आओ गले से लगा लो, क्योंकि दूर गया हुआ है और ड्यूटी ते गया हुआ, जब आएगा तो आपे गले लगा लेगा। सो तुहाडे तो भी नहीं चलेगा, हस्बैंड लई वर्त रखा है। सो वन वर्ड तो चाहिए। आई लव यू कह दो बेचारे नू। आई लव यू हीरो। सो असी कल्ली ताड़ियां नहीं मारनी हैगियां, असी तुहाडे तो भी जानना चाहवांगे, क्योंकि साडी ना एक यूनिटी है, कुछ वर्त रखदे आ कुछ नहीं रखदे, बट असी जे वर्त ना भी रखिए बट असी वो पूरे रीति रिवाज है ना आपां पूरे करदे है ना, जो लेडीज खरीदते हैं असी खरीदते हैं, ज्वैलरी खरीदते हैं आपां खरीदते हैं, पूरा बन ठण के आपां आंदे हैं। सो आपां अगर हस्बैंड लई भी कुछ कहना होवे तां ओ प्लीज कुछ कह सकदे हो? मेरे हसबैंड बहुत अच्छे ने, सवेरे असी सवेरे उठे हाँ, मेरे नाल पूरा उन्होंने खाया पिया शुरू किया, पर असी वर्त नहीं रखिया, पर आप रीति रिवाज सारे किए हैं, शाम को असी घूमन गए हैं, और हुण बस मैं सहेलियों नाल करवा चौथ की कथा सुन रही हाँ, रात में फिर चंद्रमा देख के इंजॉय करांगे, खावा पीवांगे। मतलब जेड़ा ए ए इन्हां दा वर्त नहीं सी, ए चरत सीगा, जो चरत रखे इन्होंने स्पैशली अपने हसबैंड लई। सो अच्छा मैंने एक गल दसो, कई बार हुंदा ना जिहड़ियां ससां हुंदियां ए ओह कह रहिंदियां कि तू वर्त क्यों नहीं रखी, कदे तुहाडी सासू मां ने तुहानूं कहा कि वर्त नहीं? मैनूं नहीं कहा, मेरे हसबैंड ने ही मना कर दिता सीगा, और सिर्फ मैं एक वर्त रखिया, उस तो बाद कोई वर्त नहीं, बस इंजॉय जरूर करीदा, इंजॉय जरूर करी, मेहंदी लगा लईदी आ, इंजॉय करीदा, नवे सूट पा लईदे आ, घूम फिर आईदा चंडीगढ़। गाने चुको
बंदा बन जा दिला दे जानिया मैं तेरे ना ब्याई होई हां कातों दसदा नी की दिया निशानिया मैं दीना दी तपाई होई हां। चलो ठीक है बस बंदा बन जा दिला दे जानिया। सो करवा चौथ कुछ लेडीज ऐदा दियां हुंदियां जिन्हां दे घर वाले फौज दे विच हुंदे ने, सो ड्यूटी उन्हां दी बहुत ज्यादा दूर हुंदी है, करवा चौथ वाले दिन नहीं भी आ सकदे, सो साडे देश दी राखी लई ओह हमेशा उत्थे रहिंदे ने, सो पर अपना वर्त तड़ाउण लई इन्ना क मतलब उन्हां दा ज्यादा प्यार हुंदा है, वाइफ नूं सरप्राइज देण लई स्पैशल आ जांदे ने। सो इधर मेरे नाल भी खड़े ने जिन्हां दे हस्बैंड फौज दे विच ने, सो पहला तां हैप्पी करवा चौथ। सो की कहना चाहोगे अपने हस्बैंड लई? मैनूं लगदा तुहानूं अज सरप्राइज मिलिया, लगदा मिलना या मिल गया? मिल गया जी। सो एक दिन दी छुट्टी लेके आई है जी, स्पेशली करवा चौथ वाले दिन दोनों तरफ आपदा फर्ज निभा रहे हो, भारत माता वास्ते भी घर वास्ते भी, तां बड़ी प्राउड दी गल है। वैसे भी किसी आर्मी पर्सन दी वाइफ होना यही सब तों वड्डा प्राउड है, यही सब तों वड्डा। हां जी हां जी, एक एक जान हथेली दे लेके चल दे आप दी, तो प्राउड है सानू इस गल ते। सो अपने हस्बैंड लई कुछ वर्ड्स कहने होण या हस्बैंड लई कोई गाना डेडिकेट करना होवे? ए मैं ऑलरेडी कहता हस्बैंड लई कि सानू उना ते प्राउड है क्योंकि ओ सर इंडियन आर्मी च है, तो यही रीजन सी मेरा उना नाल मैरिज करन दा कि मैनू वधिया लगदा सी ते सानू उना ते प्राउड है जी। मतलब है जेडे फौजी दबका दुबका माड़ा मोटा मार दंदे इत्थे भी वजदा है? ਔਖਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਔਖਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਜਹਿੰਦ ਜਹਿੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਹਿੰਦ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਲੇਡੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ? अरे कोई भी अपनी लैंग्वेज में, आपा इन्ना दी लैंग्वेज वाला गाना सुनना आपा जी, बाजू मीनिंग पूछूंगी मैं। मैं यूपी से हूँ तो इसलिए मैं भोजपुरी सॉन्ग सुना देती हूँ आप लोगों को। जा हमरो उमर तोहरा के लग जाई जान, जा हमरो उमर तोहरा के लग जाई जान। थैंक यू। सो इधर ना ससा लोक के बैठी हैं, आप ससा नाल भी आप गलबात करांगे। सो कुछ नहीं कह सकते नहीं हां, सारे परिवार दी सुख जेड़े जींदे ना सारे राजी रहन, क्या परिवार ते दुनिया। अच्छा अपनी नूह ले जेकर तुसी कुछ कहना भी, नूह किद्दां दी है पहला तुसी अपनी दसो? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हां बहुत रोटी पानी दे दंदी है, सब कुछ कर दी है। हुण तां कैमरे अगे बोलना पैणा आपां नूं क्योंकि पता चले रोटी रात नूं मिले ना। सो इधर भी होर भी बुजुर्ग बैठे ने, तुहानूं किवें दा लग रिहा अज? बहुत अच्छा लग रिहा जी सानूं, बच्चां दा बहुत रौनक मेला, बहुत अच्छा लाया बच्चां ने, सानूं बहुत वधिया लग रिहा वी इदां दा ही हर साल ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦਨ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਘਰ ਚ? ਅੱਜ ਘਰ ਚ ਬਣਿਆ
ਭੁੱਲ ਗਈ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਟੂ ਆਲ ਮਾਈ ਲਵਲੀ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਸਵੀਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ